अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज परी के किचन में बनने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन बूटी, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से मूव करते हैं रेसिपी की तरफ। ग्रीन बूटी बनाने के लिए हमें जो यहाँ पर अज्जा चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ली है जिसके मैंने 4 ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं और उन्हें मैंने यहाँ पर क्यूब शेप में काट लिया है। और उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर मैरिनेशन के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 4 टेबल स्पून योगर्ट यानी थिक योगर्ट मैंने यहाँ पर लिया है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। उसके अलावा 1 टेबल स्पून लेमन, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर एंड 1/2 टी स्पून यहाँ पर साबित धनिया और साबित जीरा लिया है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स, साबित जीरा और साबित धनिया को मैं रोस्ट कर अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। उसके अलावा यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके अलावा यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज, ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन मिंट लिए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश लिए हैं मैंने। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1/2 टी स्पून पिंक सॉल्ट, 1/2 टी स्पून वाइट सॉल्ट लिया है। तो चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पर मैं रोस्टेड स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ जिसमें फ्लेक्स, साबित धनिया और साबित ज़ीरा रोस्ट करके और मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर बाकी सब इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल कर रही हूँ, जैसे योगर्ट, ऑयल और ब्लैक पेपर और पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट और उसके अलावा ग्रीन अंडर ग्रीन मिंट एंड ग्रीन चिलीज। अब मैं इसे यहाँ पर अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी और यहाँ पर ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। लास्ट में मैं ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल कर दूँगी और मैं इसे यहाँ पर ढक दूँगी। तो मैरिनेशन होने के बाद मैं इन्हें अच्छे से स्ट्रिप्स में सेट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने स्टिक्स लिए हैं, ये कहीं से भी मिल जाती हैं ईजीली, बाजार से आपको कहीं भी किसी शॉप से मिल जाएंगी। इसमें मैंने यहाँ पर 4 पीसेस सेट किए हैं और अब मैंने यहाँ पर पैन रखा है जिसे मैंने बिल्कुल ही लो मीडियम फ्लेम पर रखा है। और अब मैंने यहाँ पर ऑयल बिल्कुल ही 1 टेबल स्पून शामिल किया है और यहाँ पर 2 स्टिक्स रख दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से हमें रोल कर साइड्स इनकी चेंज करनी है, अंदर से भी पक जाए अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पर लास्ट में फॉइल में थोड़ा सा कॉल रखकर और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी ताकि कॉल का जो स्मोक है वो अच्छे से इन बोटियों में आ जाए। और मैं इसे यहाँ पर लेड लगा दूँगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसे फाइनल, जैसे ही स्मोक ख़त्म होगा तो फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है और ऊपर से थोड़ी मलाई भी स्प्रिंकल की है, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। माशाल्लाह यहाँ पर मेरी बोटियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं और इतनी ज़बरदस्त बनी है कि क्या ही तारीफ करना। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और परी को बताना कि कैसी लगी। उसके अलावा अब मैं यहाँ पर इन्हीं बोटी का रोल बनाने लगी। तो यहाँ पर मैंने पराठा ले लिया है, सिंपल घर का ही बना हुआ पराठा है ये, और इस पर मैंने सैलेड लीव रख दिया है। इसके ऊपर स्लाइस रख रही हूँ टोमेटोज के, अनियन के भी रखूँगी और शिमला मिर्च के भी मैं इस पर स्लाइसेस करके रखूँगी। आप अदर वेजेस भी शामिल कर सकते हैं, लाइक कैबेज, लाइक स्लाइसेस ऑफ कैरट्स, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो बस यहाँ पर अब मैं पीसेस रख रही हूँ चिकन के। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, इट्स अप टू यू। लेकिन फ्रेश क्रीम डालने से टेस्ट ज़रा ज़्यादा इन्हेंस होता है, तभी मैं शामिल करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर केचप स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ऐसा रोल बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चे शौक से डिनर कर भी लेते हैं और उन्हें एंजॉय भी करते हैं। ये बोटी रोल भी इतना मज़े का, इतना टेस्टी का बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर बोटी रोल बनकर भी तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मेरी ग्रीन बूटी और ग्रीन बोटी रोल बनकर दोनों तैयार हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और परी को बताना कि कैसा लगा।
अगर आज की ये सिंपल वीडियो अच्छी लगी हो तो परी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। परी की हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। इसी के साथ परी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।